हाँ जी सत श्रीकाल, स्वागत है तुहाडा अपने चैनल से। कल तुम सारे वधिया होवोंगे। अज आप बनाने मक्की के छाने जो कि खाने के बहुत टेस्टी होंगे ने, तो चुल्हे पर भुना गया आप इन्हों चुले भुनने के टेस्ट होर भी ज़्यादा वधिया आता। यह आप मक्की नमक पहले आप गर्म होने देवे। नमक तुसी इत्थे कोई भी यूज कर सकते, जे तुहाडे कोल पहला कोई हैगा यूज किया वह भी यूज कर सकते हो। मक्की अपने घर दी है सारी बाहर पाई हुई है धुप्पे, ते नमक अपना हो गया गर्म। ते हुण आपां इहनूं पा लईए अपनी मक्की लई है। नमक दे नाल आपां मक्की नूं सारा करा देना। पहला देखो ये तुहानूं इस तरह लगू, देखो बिल्कुल गिला हो गया नमक भी साइडां ते जम गया, तुहानूं दिख रहा होगा। और तुसीं अग्गे अग्गे देखो ज्यों ज्यों मक्की भुज्जी जाऊगी तां नमक बिल्कुल, मक्की भी सुक जाणी है ते नमक भी बिल्कुल। इस तरह भुनने के मक्की टेस्ट का टेस्ट भी लग जाने दाने। उदा भी ठंड आ गई, ठंड के कुछ ना कुछ चीज चाहिए है धुप्पे बैठ के खाने वास्ते। ते नाले तुहानू सारयां नूं रिक्वेस्ट है जे तुसीं मेरे चैनल ते मेरा चैनल जरूर सबसक्राइब कर लिओ, ता जो तुहानू मेरे चैनल ते इस तरह दे होर भी रेसिपी मिलदियां रहण। ते नाल बैल आइकन नूं जरूर प्रेस करिओ ता जो तुहानू मेरी हर एक आउण वाली नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन मिलदी रहे। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर कमेंट जरूर करिओ। आज कलर चेंज होण लग गया सारे दाणियां दा। लाते रहना छड़ना नहीं होगा। अख घाटी रखनी है, ज्यादा नहीं करनी होगी मेरी बिल्कुल। बस हल्की हल्की अग आई, मक्खी मक्खी अग पर आप भुनेंगे। देखो इन्ना चेंज हो गया कलर, आलमोस्ट भुजे गए बस अपने दाने। देखो बस इस तरह लगातार हिलाते रहना, भुजे गए अपने दाने। चुले से देखो किन्ने सोने भुजे गए मेरे, बिल्कुल भी चैलेंज है अपने। टेस्ट बहुत वधिया आया, जरूर ट्राई करो। तो नैक्सट रैसपी हैगी अपनी आलू वाले गच्छक तिलों नाल तैयार करांगे। आपां खाण दे विच बहुत टेस्टी लगदी है, सियाळां दे विच वधिया लगदी है। तो इस तरह तुसीं इहदे उपर तिल थोड़े उपर भी गार्निश कर सकते हो। तो देखो खाने दे विच बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती, जिद्दां आपां मार्केट चों लैंदे आ ना सेम उस तरह बनती है। तो जिदे ले लिया आप गुड़, गुड़ में इस तरीके छोटे छोटे पीसिस कर लेना ता जो इन मिल्ट करने आसानी हो। बड़ा कड़ा ही डरते हूँ आप गुड़ में मिल्ट करना। इतने हजे कुछ नहीं पाना, पानी वगैरह बस कल गुड़ में मिल्ट करना। देखो लगातार हिलाते हुए मेल्ट करना। गैस की फ्लेम लो मीडियम ही रखनी है जी, क्योंकि जे तुसी ज़्यादा तेज कर ली तो गुड़ जल जाएगा। हाँ देखो गुड़ अपना चंगे तरीके मेल्ट हो चुके हैं।
तो हूँ आप पावे दो चम्मच दुध के तुम इतने पानी भी यूज कर सकते हो, दुध के नाम टेस्ट ज़्यादा वधिया होगा। कंसिस्टेंसी देखो कि फर्क पै गया दुध पाने के लिए। दो चम्मच फिर ऐड करा, टोटल चार चम्मच दूसरे ऐड करा, फटाफट बन के तैयार हो जाती है, कोई भी मुश्किल काम नहीं। तो खाने बहुत ज़्यादा टेस्टी है, पर मैं थोड़े न जो ये सैट होई वाली सी पिक वो मैं थोड़े न नहीं शेयर कर पाई क्योंकि वो मेरी डिलीट हो गई फोन के बिचों। मैं हो वीडियोज़ वाली डिलीट कर रही थी तो बिच वो भी बिचों क्लिक हो गई गलती दे, पता नहीं लग्या। टेस्टी बहुत बनी सी। देखो हूँ आप ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून तिलों का वाइट तेल, तो चंगी तरह करा मिक्स। तो इतने हूँ आप पावे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा पाने तो बाद देखिए थोड़ा इहदा कलर बिल्कुल एकदम चेंज हो जाएगा, ये फ्लफी हो जाएगा। देखो कलर देखो हम बिल्कुल ते फ्लफी हो गया पहला नाल ज़्यादा। देखो कलर देखो बिल्कुल चेंज हो गया। तो बस हूँ आप इन इतनी पकावे, गैस की फ्लेम कर देंगे बंद। तो हूँ आप इन पावे किसी भी तुम ट्रे प्लेट के कढ़ सकते। देखो प्लेट में आप ला लिया घ्यो, तो हूँ आप सारे ऐड कर देंगे। 10 मिनटों के सैट हो जाती है जी, तो 10 मिनटों बाद इस इंजॉय कर सकते हो। इस तरीके हूँ आप उपर थोड़े जे होर उपर पा देंगे तिल, जो कि बाद जब आप खावे लुक बहुत वधिया होंगी है। तो कट तुम इन जो थोड़ी जी सैमी थिक हो सैट हो जाए ना उदों लगा दौ ये कट, तो फिर सेम थोड़े उदा पीसिस निकल आएंगे। उम्मीद करती है तो दोनों रेसिपियाँ पसंद आई होंगे। मिलती है एक होर रेसिपी के तब तक दे।